हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने बोला था कि पर्दे के पीछे के लोगों को आदमी नहीं जानता है, तो वही मैं इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पर्दे के पीछे के लोगों को दिखाऊं। और हमारे जबलपुर में जो मुहर्रम निकलता है उसमें क्या क्या काम होता है, कैसे सवारी बनती है, वो सब मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। ना आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? जी भाई, मेरे को ये काम करते 22 साल हो गए। तो ये सवारियाँ आपकी बाहर भी जाती होंगी भाई? जी हाँ, मेरी सवारियाँ जैसे कि नागपुर जा चुकी हैं, भोपाल जा चुकी हैं। जी भाई, कटनी तक जा चुकी हैं। जी जी। और ये काम कब से शुरू हो जाता है भाई? भाई ये काम रमजान शरीफ से चालू कर दिया जाता है सवारियों का। जी, और कितनी सवारी तैयार कर लेते हैं भाई आप मुहर्रम तक? भाई 8 से 9 सवारियाँ तैयार हो जाती हैं, नए काम होते हैं जो। जी जी। और उसके बाद फिर जो पुराने काम आ जाते हैं उनकी फिटिंग करने के बाद मतलब 12-15 सवारी हो जाती है। क्या हदिया होता होगा ये सवारियों का? भाई सवारियों का हदिया जो होता है वो मटेरियल के हिसाब से होता है जी। और वैसे कम से कम रेट में 31,000 में चालू हो जाती हैं सवारियाँ जी, जिसमें सामने वाली पार्टी को मखाने और छतुल खुद देना पड़ते हैं जी, और पीछे मोती का जाल उनको खुद देना पड़ता है यदि, और उसके बाद वो छतुल चाहें और पीछे का जाल चाहें और मखाने चाहें तो फिर उसका 40,000 रुपये हो जाता है जी। और जैसे कि लोग एक साल रखते हैं सवारी और वो फिर दूसरे साल अगर बेचना चाहें जी तो वो बेचते होंगे जी, तो ऐसी सवारियाँ भी आती होंगी आपकी आपके पास? जी हाँ, हम ही लोग जैसे कि कई सवारियाँ बनाते हैं और उनको नया काम चाहिए जी, तो वो बोलते हैं कि भाई ये पुराना काम बेच दीजिए जी, तो कोई कस्टमर आता तो उसको फिर हम लोग उस रेट पर निकाल देते हैं जी। जैसे कि पिछले साल यदि वो मान लीजिए 30 का बना जी, तो फिर सामने वाले को नया काम चाहिए तो उसको 20 में भी निकाल देते हैं, 15 में भी निकाल देते हैं, जैसा कस्टमर आ जाता है उस हिसाब से वैसा काम दे दिया जाता है उनको जी। तो आप देखिए भाई ये कैसा काम हो रहा है यहाँ पे, भाई काम कर रहे हैं अभी। भाई ये क्या यानी बोलते हैं सवारी की फिटिंग जी, तो ये कैसे सामान तैयार होता होगा, कैसे फिट करते होंगे आप, तो थोड़ा सा दिखा पाएंगे क्या? जी हाँ, मैं दिखा देता हूँ आपको कि जैसे कि सबसे पहले उसके लिए अपन को एक उसका फ्रेम तैयार कराना पड़ता है जी। जी जैसे कि ये फ्रेम है, इसे पूरा तैयार किया कराया जाता है जी। फिर इसमें जैसे साइड पट्टे 3 के कटते हैं, इसके कंगूरे वगैरह होते हैं इस तरीके से, जिसमें झालर लगाई जाती है, ये होता है जी। तो कितना टाइम लग जाता होगा भाई ये फिटिंग के लिए? भाई फिटिंग में मेरे को इसमें 3 से 4 दिन लग जाता है एक सवारी। अच्छा, यानी ये नक्काशी का काम होने के बाद जी, यानी ये अड्डे का काम होने के बाद आप ये पूरा तैयार होके फिर इसमें फिटिंग में खाली 3 दिन लग जाता जी। है जी। मैं आपको दिखाता हूँ मैं इसको, मतलब शुरुआत इसकी कैसे होती है। फिर इसका क्या है कि पार्टी के कलर के हिसाब से कपड़ा लिया जाता है जी, उसको कटिंग करने के बाद उसमें पहले की बकरम काटा जाता है पूरा फ्रेम के नाप का जी। बकरम काटने के बाद उसको प्रेस से पेस्टिंग किया जाता है, उसके बाद फिर इसको सिलाई किया जाता है। ये पीछे बकरम लगा हुआ है क्या भाई इस पे? जी हाँ। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी बारीक काम और काफ़ी मेहनत वाला काम जी। पेस्टिंग करने के बाद उसे पूरा तैयार करने के बाद उसे पूरा सिलाई करना पड़ता है जी। उसके बाद आपने देखा कि जैसे कि फ्रेम में लगा हुआ था कपड़ा मेरे पास जी, उसमें फिर वर्क किया जाता है, फिर इसको टीन के ऊपर पूरा चढ़ाया जाता है इस तरीके से, और पूरा इसको सुई और धागे से सिला जाता है टीन के ऊपर। जी अभी की जैसे कि इस फ्रेम में कपड़ा सिलना बाकी है, वाइट कपड़ा सिला जाता है, जहाँ रुई भरी जाती है यहाँ दफ्ती सिली जाती है, फिर इसके बाद इसमें पेटे लगाए जाते हैं यहाँ के। इसके इस प्रकार पेटे बनते हैं जी, इस प्रकार इसके पेटे बनाए जाते हैं, इसे सिर्फ दफ्ती सिलने के बाद ही इसको सिला जाता है। पूरा ये वर्क तैयार होने के बाद इसे दफ्ती के बाद, देखिए फ्रेंड्स इतनी डिटेल से कोई आपको दिखाएगा नहीं, कोई आपको बताएगा। दफ्ती सिलने के बाद इसे भी पूरा सिला जाता है। ये सब काम दिखाने का नहीं होता है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे भाई आप लोगों को दिखा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को इस तरीके से पूरा। इसको अच्छी बात है, खोल के फिर इसके सिलने के बाद इसको तैयार किया जाता है, और इसमें पट्टियों में जैसे कि कंगूरे कहा जाता है जिसको, उसमें भी इस प्रकार की पट्टियां लगती हैं। इसमें झालर का काम होता है, इसमें नलकियां लगती हैं जिसे कहा जाता है,
वो इस तरीके से फिर इसमें तीन में पूरी किनारी नलकियाँ लगाने के बाद सुई धागे से फिर ये पट्टियाँ लगती हैं जी। ये इस तरीके से अभी इसमें मतलब 50% काम बाकी है। अभी इसकी राखियाँ बनना है, इसके गोले बनना है, झालरें इसकी हैं, सब तैयारी चल रही है। यानी ये आपको ये सब करने के बाद तैयारी 3 दिन आपको इसमें फिटिंग में लगता है जी। बहुत मेहनत का काम है फ्रेंड्स, और हम कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल कि आपको हर चीज़ दिखाएं, क्या कैसा होता है मुहर्रम में, कैसी तैयारियां चलती हैं। आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी डिटेल आपको चाहिए है मैं आपको भाई से एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर आपको लेके देता हूँ, और जो भी है तो मैं और भी जो भी डिटेल्स हैं भाई की वो मैं आपको स्क्रीन में दे दूँगा। तो भाई यहाँ का एड्रेस और थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को आप मोबाइल नंबर भी बताइए जी। मेरा एड्रेस है गोरखपुर बहना मोहल्ला की मस्जिद के पास, मेरा नाम चलता है बाबू साहब जी। आपको जिस किसी को भी संपर्क करना हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9301333156। इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं और बहना मोहल्ला में आके आप मुझसे मिल सकते हैं। और जैसे कि सवारी का जिसको भी ऑर्डर देना चाहें आप फोन भी कर सकते हैं, फोन में भी आप। भाई कितना टाइम लग जाता होगा सवारी बनाने में? भाई मेरे को कम से कम ऑर्डर ये ऐसा होता है कि मेरे को कम से कम 2 से 3 महीने पहले मिल जाए जी, क्योंकि काम बहुत हो जाते हैं मेरे पास जी। जैसे अभी किसी भाई को चाहिए होगी सवारी तो आपने पास कंप्लीट छड़ भी रखी रहती है, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं, फिर उनको पुराने ही काम मिल पाते हैं, नया काम नहीं बन पाता। के लिए कम से कम 2 महीने पहले से जताना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी छोटी सी कोशिश है ना जो मैंने दिखाई कि हम लोग आपको दिखाएं कि कैसी सवारी बनती है, और ये मजमे में जब चलती हैं तो इनकी अलग ही शान और रंगत रहती है, और ये ऐसे तैयार होती है फ्रेंड्स बिल्कुल। शहर की जबलपुर की मतलब सबसे फेमस सवारी मतलब जो फक्कड़ बाबा के नाम से जानी जाती है ये उनका काम है जी। और इनका मैं आपको फ्रेम दिखाता हूँ, ये देखिए ये सबसे फेमस सवारी होती है सर, मतलब फक्कड़ बाबा बलदेव बाग वाले जी। हाँ बहुत फेमस सवारी होती है, काफी छत्तर चढ़ते हैं भाई इनकी सवारी में, काफी मानता मुरादे वाली। इनका भी काम आज मुझको करते कम से कम 10 साल हो गया जी, और हर साल भाई नया ही काम करवाते जी, हर साल नया काम करके देता हूँ। पिछले साल की सवारी मैंने दिखाया था, ये सवारी सदर की है, ये अभी जो बन रही है ये सदर की सवारी है, काफी खूबसूरत। तो फ्रेंड्स जिस किसी को भी सवारी बनवाना हो तो भाई इनसे कांटेक्ट करें, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।